एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। आपको मैंने बोला है 360 डिग्री सर्कल, मेरिडियन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और उसी में 12 हाउसेस बैठते हैं। तो एरीज फर्स्ट हाउस में गिरता है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट हाउस हाउस ऑफ सेल्फ, मतलब आपका एक्सटीरियर जो सेल्फ है वो है फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस है हाउस ऑफ रिसोर्सेस, और ये केवल फिजिकल रिसोर्सेस नहीं, जैसे मनी के, बैंक बैलेंस के, गाड़ी, हाउसेस, ये रिसोर्सेस नहीं। सेकंड हाउस वो सब रिसोर्सेस हैं जो आपको अवेलेबल है इस इनकार्नेशन में। तो जैसे स्पिरिचुअल रिसोर्सेस, मेंटल रिसोर्सेस, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस, वो सब जो आपके लाइफ में अवेलेबल है वो आपका सेकंड हाउस है। और थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस डील्स विद कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल वाक्यालाप, फिल्म्स, बुक्स, डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सब कम्युनिकेशन में आता है। तो कम्युनिकेशन इज द थर्ड हाउस। तो अगर आपका थर्ड हाउस एक्टिव है तो इसका मतलब है आप बहुत ही बड़े कम्युनिकेटर हैं। और फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है फैमिली एंड होम। अगर आप देखिए फोर मतलब फाउंडेशन, तो हमारा फाउंडेशन क्या है? हमारा परिवार। तो फोर्थ हाउस हमें बताता है कि ये इनकार्नेशन में हम कैसे फैमिली के साथ आए हैं, हमारा वन ऑन वन इंटरेक्शन कैसा है फैमिली के साथ, हम फैमिली से क्या सीखते हैं, हम फैमिली को क्या सिखाते हैं। ये जो सब लेसन्स है फैमिली रिलेटेड, मदर रिलेटेड, ये फोर्थ हाउस लेसन्स है। फिफ्थ हाउस है क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, प्लेफुलनेस, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। मगर इसका एक डिफरेंस है थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, मगर फिफ्थ हाउस है क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। इसका मतलब आपका फिफ्थ हाउस डिसाइड करेगा कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं क्रिएटिवली, वो आपको फिफ्थ हाउस बताएगा। आपके कितने बच्चे होंगे, उनसे आपकी कैसी रिलेशनशिप रहेगी, वो फिफ्थ हाउस बताते हैं आपको। और फिफ्थ हाउस जो है रिलेशनशिप्स भी है, मगर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप्स शायद शादी में नहीं बदलते, वो फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप्स हैं। पैशनेट लव रिलेशनशिप्स, रोमांस, फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस आपका काम का हाउस है, वर्क वर्क वर्क, आपके डेली एवरी डे जो 24/7 का रूटीन है वो है सिक्स्थ हाउस। आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कॉलीग्स, आपका शेड्यूल, आपका ट्रैवलिंग, आपका होल लाइफ, जो माइक्रो लाइफ है आपका, ब्रेकिंग इट डाउन, वो आपका सिक्स्थ हाउस है। सेवन्थ हाउस क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है, बिकॉज ये बताता है कि आप किससे शादी करने वाले हैं, और वो शादी डिवोर्स में लैंड अप करेगा कि आप सक्सेसफुल मैरिज लाइफ लीड कर सकते हैं। आपका पार्टनर कैसा होगा, आपके साथ उसकी इंटरेक्शंस कैसे होंगी, बनेगा कि नहीं आप दोनों, ये सब आपको सेवन्थ हाउस बताएगा। अभी एट्थ हाउस आपके अनकॉन्शियस फियर्स, आपके जो हिडन डिज़ायर्स, आपके सेक्सुअलिटी और आपके इंटरेस्ट इन हिडन थिंग्स, आप कैसे इसे एक्सप्लोर करेंगे। एट्थ हाउस आपको बताएगा कि आप क्या क्या अपने अनकॉन्शियस में बैरी कर चुके हैं, क्या क्या है आपके अनकॉन्शियस में, और कितना कुछ आप फेस कर चुके हैं। अगर आपने फेस नहीं किया है अपना अनकॉन्शियस, तो एट्थ हाउस के ट्रांजिट्स में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। ऑफ़ कोर्स ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट है वहाँ पे, रेट्रोग्रेड है कि नहीं, कोई हार्ड एस्पेक्ट्स है कि नहीं,
अगर नहीं है तो अगर आपका 8th हाउस एक्टिव है तो आप बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करके कोई भी क्रक्स ऑफ द मैटर पे पहुंच सकते हैं। 9th हाउस है हायर एजुकेशन का, तो अगर आप PhD करना चाहते हैं तो 9th हाउस में देखिए क्या क्या है। 9th हाउस में आपको ये भी पता चलेगा कि आप विलायत जाएंगे कि नहीं, कि विदेश में सेटल होंगे कि नहीं, आप फिलोसॉफिकली सोचते हैं कि नहीं, ये भी 9th हाउस आपको बताएगा। तो 9th हाउस जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। 9th हाउस आपको ये भी बताएगा कि आप कहीं फॉरेन में जाके फ्यूचर एजुकेशन कर सकते हैं कि नहीं। द नेक्स्ट हाउस है 10th हाउस। 10th हाउस बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि 10th हाउस आपको बताता है कि आप इस वक्त इस रियलिटी में क्यों हैं, आपका बीइंग यहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, एज इन आपका आइडेंटिटी क्या है। और ये आइडेंटिटी थोड़ा फर्स्ट हाउस आइडेंटिटी से डिफरेंट है क्योंकि ये जो है ये आपका सोल आइडेंटिटी है, आपका फिजिकल बॉडी का एक आइडेंटिटी है, आपका मेंटल बॉडी का एक आइडेंटिटी है। 10th हाउस आपका सोल आइडेंटिटी है। तो आप जब आते हैं यहाँ पे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं, आपका सोल एक कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आता है यहाँ पे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो आपको 10th हाउस बताता है कि आपका सोल कॉलिंग क्या है। हीलिंग, राइटिंग, डांसिंग। तो मे बी 10th हाउस में अगर जुपिटर है तो आप लिख सकते हैं और वही शायद आपका सोल कॉलिंग है। 11th हाउस हैज़ टू डू विद कम्युनिटी, इंडिविजुअलिटी नहीं, कम्युनिटी। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके कॉलीग्स, कि आप कोई इंटरेस्ट ग्रुप में हैं, वो सब आपका कम्युनिटी है। तो 11th हाउस जो है वो आपका फुल वाइड कम्युनिटी के साथ डील करता है। 12th हाउस लास्ट हाउस है और जैसे एक सोल 1, 2, 3, 4 तक 12th तक जाता है और उसमें उसका कल्मिनेशन होता है। तो 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साधना। तो अगर 12th हाउस बहुत एक्टिव है तब आपका स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत एनरिच्ड हो सकता है। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।